आज एक हम आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जैसे कि पीछे के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको दो लेक्चर्स के अंदर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताया था। तो पहले मैंने आपको बताया था जी कार्बो कटायन क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री आपको समझा दी है। फिर आपको बताया था जी कार्बन आयन क्या होता है, उसको भी आपको समझा दिया गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट वन और टू के नाम से। आज का जो लेक्चर है वो तीसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से हम लोग करने वाले हैं और उसका नाम है जी फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए ये जो इंटरमीडिएट होता है ये उन दो से अलग कैसे होता है। तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, जो कार्बोकैटायन होता है वहां पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और जो कार्बन आयन होता है वहां सी के ऊपर होता है जी माइनस चार्ज। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर जनरल ऐसा होता है सी के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज नोन एज ए फ्री रेडिकल। और कार्बन के ऊपर ही नहीं, अब कार्बन की तो बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी पढ़ाई करनी है। ये जो चीज है जैसे कटायन बनते हैं आयन बनते हैं ऐसी ये बन सकता है किसी भी एटम के ऊपर, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये बनता कैसे, मींस ये वास्तव में होता है क्या। देखिए तो अब जैसा कि मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल ए बी है, अगर ए बी में मैं कराता हूं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, क्या कराता हूं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, मुझे का नेचर तो पता नहीं है। अगर ऐसे होती है तो बनता है आयंस ए प्लस और बी माइनस। अगर यहां की बात करता हूं ए माइनस बी प्लस, ये दोनों चीजें इनके पास क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस केस में एक गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर नॉट द फ्री रेडिकल्स। सपोज कीजिए ए बी के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होती है इस टाइप से बीच में से, उससे क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जाएगा ए के पास, ये जाएगा बी के पास, इससे क्या हुआ एक तो बना ए रेडिकल दूसरा बना बी रेडिकल। ए बी की जगह अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता आपका तब आपका क्या बनता ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया दिया था, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव एन ओड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन इट, तो सच स्पीसीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने ये भी कहा था कि दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज किस चीज की ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम। मैं आपको तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मान लीजिए Cl2, खोल के लिखता हूं इसको Cl बॉन्ड Cl, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास है, हालांकि हम दिखाते नहीं रेडिकल्स जब बनते हैं क्योंकि मेन फोकस तो बॉन्ड के क्लीवेज के ऊपर है, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी क्यों होगी, क्योंकि दोनों आइटम की पावर सेम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो दे आर अट्रैक्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड देमसेल्व्स इक्वली, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गए छह इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इनके, इसकी बात कर रहा हूं, तो टोटल दोनों सेम है तो एफ टू लगा लेते हैं, तो ओवरऑल मेरे पास दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए। दूसरा एग्जांपल मैं इथेन का ले लेता हूं CH3, ऐसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी दोनों सेम ही है, देखिए इन दोनों की पावर भी सेम है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, तो यहां भी क्लीवेज कैसे होगी होमोलिटिक की होगी, ये इलेक्ट्रॉन गया जी इसके पास, ये गया जी इसके पास, तो आपके दो क्या बनेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है जी। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है जहां पे परोक्साइड लिंकेज है, परोक्साइड ये मैं कह सकता हूं आर ओ ओ आर, ये अल्कोक्सी ग्रुप और ये भी अल्कोक्सी ग्रुप, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो यहां भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और ये जाएगा जी इसके पास, तो क्या बनेंगे आपके दो अल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आपको पहले कार्बन आयन और कार्बन कटायन में बताया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और मिथाइल, सेम ऐसे ही इनके भी होते हैं। मिथाइल क्या होगा जी, मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसा होगा
जिसे सिंपली नोन एज मिथाइल रेडिकल। प्राइमरी कैसा होगा, एच को हटा के आप आर लगा दीजिए, मतलब एल्काइल ग्रुप को लगा दीजिए, या फिर आप चाहें तो बेंजीनिंग लगा दीजिए। दिस इज नोन एज प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी कैसा होगा, दूसरे भी एच को आप रिप्लेस कर दीजिए, किससे, सेम वही, या तो एल्काइल ग्रुप से कर दीजिए या बेंजीनिंग से कर दीजिए, वो बन जाएगा आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और टर्शियरी केस में क्या होगा, तीसरे एच को भी रिप्लेस कर दीजिए, किससे, सेम वही, या तो आर से कीजिए या बेंजीनिंग से कर दीजिए। तो कुल मिला के आपके चार तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन चारों की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। देखिए, जैसे मैंने आपको कार्बोकैटायन और कार्बोनायन के लिए मैंने बताया था, अगर कार्बोकैटायन के ऊपर ये प्लस चार्ज रहेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है जी। ऐसी कार्बोनायन के लिए मैंने बताया था, अगर माइनस चार्ज रहेगा इस सी के ऊपर तो ये रिएक्टिव होगा। तो सेम वही बात इस पर भी लागू होती है, अगर ये ऑड रेडिकल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रेडिकल आपका रिएक्टिव रहेगा। तो जो चार मैंने आपको बताए थे, जैसे सपोज दिस वाज योर मिथाइल रेडिकल, अगला है आपका प्राइमरी सी एच थ्री सी रेडिकल एच एच प्राइमरी रेडिकल, उससे अगला है आपका सी एच थ्री सी एच थ्री ये रेडिकल, और चौथा आखिरी है आपका टर्शियरी रेडिकल। ये सारे कैसे आपके एलिफैटिक रेडिकल्स हैं, सी एच थ्री सी रेडिकल सी एच थ्री सी एच थ्री। देखिए अभी मैं आपको ये चारों के चारों का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपको लिख के बता रहा हूं, फिर बताऊंगा ये कैसे है। ये इनका ऑर्डर होता है इस ऑर्डर में। आई मीन टू से जो टर्शियरी रेडिकल है इट इज द मोस्ट स्टेबल अमंग दिस फोर, एंड इसका मतलब क्या, इट इज लीस्ट रिएक्टिव। कैसे उसको समझना आपने, तो वो मैं आपको इसकी मदद से समझा देता हूं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप से बढ़ते जा रहे हैं। इसको लिख लेते हैं, सी एच थ्री को भी खोल लेता हूं, सी एच एच। इसकी स्टेबिलिटी को मैं समझाता हूं, ये स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए यहां पे ऑर्बिटल क्लीवेज आपकी हो जाती है, उससे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो एच का इलेक्ट्रॉन था गया एच के पास, ये आ गया इसके पास, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे यहां पे। तो मेरा कहने का मतलब है इस सी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था वो डिस्पर्स हो गया, कहां चला गया, बगल वाले सी एच थ्री के एच के ऊपर चला गया, ठीक है जी। इसको आगे क्या होगा, अगर इसमें मल्टी क्लीवेज होती है तो इसका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां बॉन्ड बना लेंगे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाएगा। अगली बार क्या होगा, अगर यहां पे मल्टी क्लीवेज होती है फिर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनाएंगे, उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो इसलिए स्टेबल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो वहां पे रहा ही नहीं। अब ये अगला इससे ज्यादा स्टेबल क्यों, अब यहां पे जब एक मिथाइल ग्रुप था उससे तीन बार डिस्पर्शन हुआ रेडिकल इलेक्ट्रॉन, अगर दो दो होंगे और बढ़ जाएंगे, और तीन तीन ग्रुप अगर लगे होंगे इलेक्ट्रॉन के बगल में तो और ज्यादा डिस्पर्शन होगा। इस डिस्पर्शन की वजह से जो और इलेक्ट्रॉन है वो मेन कार्बन में रह ही नहीं पाता है, इस वजह से उस क्या हुआ, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस केस में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि बगल में कोई सी एच थ्री है ही नहीं, तो कहां जाएगा बेचारा। इस वजह से क्या होता है, ये सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब हम पढ़ेंगे जो एलिलिक फ्री रेडिकल और जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। पहले पढ़ाऊंगा आपको एलिलिक फ्री रेडिकल। देखिए मान लो एक रेडिकल है सी एच टू रेडिकल, एलिलिक पोजिशन क्या होगी इसकी, इसके अगला कार्बन अगर डबल बॉन्ड में हुआ तो इट इज नोन एज एलिलिक फ्री रेडिकल। एक एच ओ लगेगा क्योंकि चार चार बॉन्ड आपने दिखाने होते हैं कार्बन के। अब ये स्टेबल कैसे, देखिए यहां पे रेजोनेंस हो एक तरह से, कैसे, अगर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये मिलकर बनाएंगे डबल बॉन्ड, दूसरा क्या बनेगा मेरा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच
ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास तो सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पे CH2 रेडिकल। तो एलिलिक रेडिकल्स इस तरह से आपके स्टेबल माने जाते हैं कि वहां पे तो आपके इस ओड इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल हो रहा है, यहां से वो वहां चला गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अभी समझाऊंगा आपको बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए मेरे पास बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, ये CH2 इलेक्ट्रॉन और ये मेरी बेंजीन है, ये एरोमेटिक फ्री रेडिकल है क्योंकि बेंजीन इसमें लग गया। अब ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा कैसे, देखिए अगर इस पाई बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज में कराता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास और ये आया इसके पास, अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड रिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया आपका जो पहले यहां था यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया ये मिलकर बनाएंगे डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, और ये वहीं पे रहेंगे आपके। थोड़ा सही से बना लेते हैं इस टाइप से, तो रेजोनेंस पे स्टार्ट हो गया काम आपका। अब क्या होगा जब यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गिरेगा इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे डबल बॉन्ड यहां पे ऐसे, इससे आपका अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा सामने। देखिए डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अगली बार क्या होगा जब ये टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये मिलकर बनाएंगे यहां पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा यहां पे जैसे ये आपका यहां पे आएगा। अगला स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा यस इस टाइप से डबल बॉन्ड CH2। लास्ट में क्या होगा जो शुरू में जो बॉन्ड बना था इसके बीच में वो टूटेगा आपका, ये जाएगा वापस यहां पे और ये दो मिलकर बॉन्ड बनाएंगे इस टाइप से। देखिए ये रेडिकल और ये रेडिकल सेम है, बस पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग हो गई है और कुछ नहीं है। अब ये जो रेडिकल था बेंजाइलिक रेडिकल एक तरह का प्राइमरी फ्री रेडिकल है, कैसे, क्योंकि यहां पे CH2 के साथ एक ही बेंजीन रिंग आपकी लग रही है, तो जब जो प्राइमरी रेडिकल है इतने रेसोनेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से स्टेबल है। अब मान लीजिए अगर आपका यहां पे एक H को हटा के एक और बेंजीन रिंग लगा दी जाएगी तब क्या होगा भाई, तब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में यहां पे आएगा, चलो उसको बना के आपको बता देता हूं आखिरी वाले को ले, चलो इसको लेके लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल के थ्रू देखिए, जब यहां पे आपकी कोई रिंग लगी हुई है मान लीजिए सेकेंडरी के केस में ऐसे लगी हुई है तो ये तो घूम घाम के आ गए यहां पे। अब क्या होगा, अब मान लो इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और फिर रेडिकल यहां पे आ जाएगा, तो ऐसे रेडिकल घूम घूम के दोबारा भी आ जाएगा। तो अगर आपका टर्शियरी रेडिकल होगा बेंजाइलिक के केस में, उस केस में क्या होगा, एक और एच को हटा के बेंजीन जब लगाएंगे तो मेरा कहने का मतलब है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या और बढ़ जाएगी। तो मेरा ओवरऑल मतलब है बेंजाइलिक के केस में भी जो प्राइमरी जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर टोटल रेजोनेंट स्ट्रक्चर की संख्या कम होती है, उसके ज्यादा होते हैं सेकेंडरी वाले केस में तो ज्यादा स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी वाला आपका होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर और एक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा आपका। देखिए अब हम ना इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, तो ये तो मैंने बिल्कुल जनरल सा स्ट्रक्चर बनाया, आपको शेप ज्योमेट्री का चक्कर नहीं स्ट्रक्चर में, ये इसके लिए आपको बताया है कि भाई कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से निकाल सकते हैं। देखिए कार्बन का रिंग नंबर होता है 6, 2, 4, ये चार इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले स्ट्रक्चर में, ये चार कहां कहां पे उसको चेक कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, ये है जी चार। तो इसको पहले इसके बनाएंगे, पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कार्बन आयन वगैरह बताया था, ग्राउंड स्टेट कहती है कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन तो एस के अंदर है, एस में एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं सब जानते हैं इस बात को, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है दो। अब देखिए यहां बॉन्ड बना रहा है तीन और एक और इलेक्ट्रॉन भी हमने रखना है,
और यहाँ इस स्टेट में जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो इन दो के पास है, ये तो बॉन्ड बनाने तो लॉन्ग पेयर दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी एक्साइटेड स्टेट भी आएगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से एस से एक इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाएगा पी के अंदर इस टाइप से, क्लियर। अब देखिए इसी जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर आइए, बॉन्ड तीन जगह बन रहे हैं, एक तो ओड इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे पी के एक इलेक्ट्रॉन को आप ओड रख सकते हैं और बाकी तीन को बॉन्ड में शामिल करना है, लेकिन क्योंकि इनका नेचर अलग अलग है एस और दो पी, तो इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सेंट्रल कार्बन। हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, देखिए एक एस और दो पी, तीनों मिल गए, तीनों के नाम अब एस पी पी नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, अब इन तीनों का एक नाम है एस पी टू, ये भी एस पी टू, ये भी एस पी टू, ये भी एस पी टू, और ये जो पी था आखिरी वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था उसे अलग से रखना आपने पी के नाम से, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है अभी। अब सपोज करो मैं आपको मिथाइल रेडिकल का बता देता हूं, जैसे सी एस थ्री रेडिकल, तो मिथाइल रेडिकल का क्या हो जाएगा सी एस थ्री रेडिकल, ये तीन तो कार्बन के एसपी टू, तीन इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक एक आ गया हाइड्रोजन का, तो तीन बॉन्ड बन गए आपके और पी का इलेक्ट्रॉन अलग से पड़ा हुआ है। जब आप ये हो गए हाइब्रिड स्टेट, यानी आपने स्ट्रक्चर के अंदर फ्री रेडिकल के सेंट्रल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन समझा दी है इस तरीके से। अब बारी है ज्योमेट्री और शेप की, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर तीन बॉन्ड पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर का और ज्योमेट्री और शेप बताने के लिए हमें बॉन्ड पेयर या क्यों कह दीजिए आप इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ती है, तो मेन तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, जब तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो ये होती है इस तरीके से, देखिए ये सी लिखा एक यहां यहां, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के इसमें पी में है, पी को मैं बना देता हूं देखिए इस टाइप से, तो ओवरऑल जो ज्योमेट्री है वो ट्राइकोनल प्लेनर है, आप चाहे इसको ऐसे बना लीजिए और आपकी इच्छा आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है चक्कर, और आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, तो आपने ये पी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इस शेप ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है तो इसकी शेप का नाम भी यही हो जाएगा जो ऊपर देखा था ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी फ्री रेडिकल जो होता है, खासकर कार्बन की बात यहां पर चल रही है क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले चीजों, तो उस केस में रेडिकल का जो सेंट्रल कार्बन है उसकी हाइब्रिड स्टेट होगी एसपी टू और ज्योमेट्री और शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज माय लेक्चर, आपसे उम्मीद आपको पसंद आएगा, आप मेरे इस लेक्चर को 100% आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में।